इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स और निफ्टी ने 5 मई 2017 के लेवल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना ऑल टाइम हाई फिर से बना दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। सेंसेक्स ने 30,271 का नया आंकड़ा छुआ। दूसरी ओर निफ्टी भी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 9,414 के आंकड़े पर पहुंच गया। 5 मई 2017 को सेंसेक्स 30,176 और निफ्टी ने 9,377 के आंकड़ों को छुआ था। स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहे हैं उनमें भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, औरोबिंदो फार्मा, आइशर मोटर्स, एचडीएफसी बैंक रहे। बढ़ते हुए बाजार के पीछे मॉनसून का पॉजिटिव फोरकास्ट होना, एशियन मार्केट्स का ट्रेडिंग बढ़ना जिसमें हांगकांग का शेयर बाजार 0.9%, निक्की 0.3% तक बढ़ना माना जा रहा है और यूएस में जीडीपी ग्रोथ जाम होने से विदेशी निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 7.3% से बढ़ने की बात की। हालांकि शेयर बाजार तेजी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।